एक दिल की बात बोलता हूँ मैं आप लोगों को, ये पल, ये रोड, ये बाइक, ये मोमेंट, ये इंस्टेंसेस, ये क्रेजीनेस, ये दोबारा लौट के वापस नहीं आने वाली। तो टाइम हो रहा है 3:19 रात के, या अर्ली मॉर्निंग, और मैं अभी भी हम्पी नहीं पहुंच पाया हूँ। बहुत नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं, लेकिन मुझे बस हम्पी पहुंचना है। हुई दो चीज़ें एक्चुअली, एक तो पुणे पीछे छूट चुका है और टाइम हो गया है 2:45, और आगे कहीं जहाँ पे मैं रुकूँगा वहाँ पे बताता हूँ कि क्या है अगला सीन, ठीक है। तो मैं घर हूँ उसल मिसल पाओ और कॉफ़ी का वेट कर रहा हूँ। भूख बहुत तगड़ी लग रही थी और ये लाइफ सेवर है और बहुत टेस्टी लग रहा है, तो मैं खाता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद दोबारा जब मैं स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं खा चुका हूँ मिसल पाव और कॉफ़ी पी चुका हूँ, अब आ गई है मेरे अंदर एनर्जी, अब मैं हो गया हूँ रिचार्ज तगड़ा वाला। अब मैं पहुंचना चाहता हूं हम्पी किसी भी हाल में। मेरी हो रही थी थोड़े टाइम से बैटरी डाउन, क्योंकि रात को चुल्ल के चलते मैं सोया नहीं। ये दिखा रहा ट्रैफिक इज गेटिंग वर्स और अब मेरा ये टाइम दिखा रहा 2:17। अभी गूगल ने एक रास्ता बताया है, ये कच्चा सा रास्ता है, पता नहीं फॉलो करना चाहिए या नहीं, पर ठीक है भाई बता रहा है तो कर लेता हूँ। अभी तक भी इसकी मानी है, आगे भी इसी की मान लेता हूँ। दूसरा रास्ता 36 स्लोअर दिखा रहा है। हाईवे निकलवा दिया भाई गूगल ने, मराठी अंकल टोपी और बीवी के साथ पुरानी बाइक पे, हीरो होंडा होगी ना, कावासाकी, अरे खतरनाक। अभी फिर से मैं थकने लग गया हूँ, अभी तक ठीक था, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, फर्स्ट डे के हिसाब से आई थिंक ओके है और सही चल रहा है अभी तक तो सब कुछ ही। मिलते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद। ओके बैक। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली आने वाली सर्दियों का इंतज़ाम कर रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि रात को मेरे को करनी पड़ेगी ड्राइव 110%, 2 तक पहुँचने का टारगेट है। अगले 50 है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, पता कैसे, ऐसे तो आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये देखिए कितने कमाल की
सुपर पावर इंडिया बाय 2020 की सड़क पे मैं बाइक चला रहा हूँ। और ये सड़क अभी जो बस दिख रही थी ना, देखो ये है मोदी जी का सुपर पावर इंडिया 2020। मैं जितने भी अभी पेट्रोल पंप पे गया हूँ ना, पेटीएम सुन के लोग घबरा गए, बोले नहीं नहीं पता, नहीं मालूम। और ये तो भीम UPI चला रहे थे, डिजिटल इंडिया बना रहे थे, कमाल है यार, कमाल है कसम से। इतनी देर से मैंने इसीलिए ब्लॉगिंग करा था, मैंने घोटने निकाल के रख दिया था अंदर। मेरे को यही था कि इतनी मिट्टी, मतलब मैं तो झेल नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो यहीं पर ही हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ हूँ, मिट्टियाँ खा खा के पड़ा हुआ हूँ, मिट्टी में ही मिल जाऊँगा। लेकिन ये GoPro मुझे नहीं लगता उन्होंने जितना भी एडवेंचर, जितना भी रगेड, जितना भी जो भी इसको बनाया है ना, इतना इस हिसाब से हिंदुस्तान की ऐसी मिट्टी और इतनी गंदी सड़कों के हिसाब से बनाया होगा, मतलब गॉड, इतनी गंदी सड़कें मैंने आज तक नहीं देखी है। इस पूरी सड़क पे लाइट नहीं, मैं भी अगर लाइट बंद कर दूँ, ये देखो कुछ नहीं है इस सड़क पे यार, मतलब ये नेशनल हाईवे है ये। सुबह मैंने जब आपसे बातचीत स्टार्ट की थी, तो मैंने इसी से स्टार्ट किया था ना कि अगर कोई अकेले निकल पड़ता है हिंदुस्तान में, तो लोग यही कहते हैं कि मतलब कहाँ मरने जा रहे हो, या फिर क्या पागलपन सवार हुआ है। देख लो सही कहते हैं। तो अचानक मैंने रियलाइज़ किया कि अभी पीछे जितनी भी मैंने क्रिविंग करी थी, माइक की तार निकली हुई थी। एक दिल की बात बोलता हूँ मैं आप लोगों को कि ये पल, ये रोड, ये बाइक, ये मोमेंट, ये इंस्टेंसेस, ये क्रेजीनेस, ये दोबारा लौट के वापस नहीं आने वाली। मैं बहुत बहुत ज़्यादा मतलब सोच में था कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितना रह गया यार, 250 किलोमीटर है यार, गॉड, चलो कोई बात नहीं पहुँच जाएंगे। सो 47 किलोमीटर ये अभी है सड़क, वही मतलब विजयपुरा, बेसिकली हैव टू रीच, तो विजयपुरा में वील हैव डिनर, ठीक है, फिर मिलते हैं विजयपुरा मोस्ट प्रोबेबली। मैं अब थोड़ी सी भगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, चलो ओके जाओ। खाना तो मैं खाना खा चुका हूँ और अब है 194 किलोमीटर्स लेफ्ट, टाइम बता रहा 3:25, आई ट्राई टू मेक इट बाय 3। बेस्ट चीज़ टोल प्लाजा की, टू व्हीलर्स पे कोई टोल नहीं है कसम से, मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम सकता हूँ मैं इस बाइक पे या किसी भी बाइक पे, और कोई टोल नहीं कहीं पे भी। अब कुछ फीलिंग आ रही है मुझे हाईवे वाली, हो लेकिन हवा बहुत ठंडी है। टाइम हो रहा है 3:19 रात के, या अर्ली मॉर्निंग, और मैं अभी भी हम्पी नहीं पहुंच पाया हूँ, गर्दन में दर्द हो रहा है और बहुत नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं, लेकिन मुझे बस हम्पी पहुंचना है। 45 किलोमीटर और एक घंटा दिखा रहा है गूगल मैप पे, उतना लग ही जाएगा वैसे ऑलमोस्ट। बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा, और जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा देर लग गई। अब क्या करें,
अब मेरी एनर्जी पूरी चुस चुकी है, मैं ख़त्म हो चुका हूँ। मैंने चाय भी पी ली, मैंने पानी भी पी लिया, पेट्रोल भी डलवा लिया बाइक में, पर क्या कोई नहीं, एक घंटा और, सिर्फ एक घंटा और एक घंटे के बाद हम मिलते हैं हम्पी में। गौरी गेस्ट हाउस, अरे पहुंच गए, खतरनाक। सही भाई सही, यहाँ तो बहुत आए मैं, बुलेट वुलेट वाले सही है। पहले बाथरूम बता दीजिए ना। सीन अब ये है कि मैं पहुंच गया हूँ, 5:15 बज रहे, मैं नहा लेता हूँ और फिर हम मिलते हैं कल नहीं, आज सुबह day 2। ओके, हम भी घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर और फिगर आउट करते हैं कि क्या करना है हम भी में। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, एंड इट्स अ रैप। कि क्या करो उनके गीले गीले होठों की शिकवा हम क्या करें, अगर वो कहीं भी आबाद है तो बुलेट तेरे लिए दुआ हम क्या करें।